हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गैस। तो दोस्तों, जो गैस की प्रॉब्लम है वो सबको अलग अलग होती है, लेकिन मोस्टली हर लोग गैस से एक ना एक दिन सफर करते ही हैं। और ये जो गैस की प्रॉब्लम होती है सब में अलग अलग होती है। किसी को सिर्फ लोअर एब्डोमेन में गैस एक्युमुलेशन होता है, तो किसी को अपर में होता है, तो किसी को होल एब्डोमेन में होता है, किसी को ढकार आती है तो किसी को नहीं आती है, किसी को टेम्पोररी रिलीफ मिलती है, किसी को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलती, किसी को खट्टा ढकार आती है। तो अभी सारी प्रॉब्लम पे बेस्ट 3 मेडिसिन लेकर आई हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप ना करें। मैं डॉक्टर रूबी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी तो किन किन कंडीशन में आप कौन से साइन एंड सिम्टम्स से कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, कितने पोटेंसी में यूज करेंगे और कितने डोज में यूज करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। तो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइकोपोडियम 30 के बारे में कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे तो आप लाइकोपोडियम को यूज करेंगे। तो दोस्तों, जो लाइकोपोडियम के पेशेंट होंगे उनके लोअर एब्डोमेन में गैस का एक्युमुलेशन होगा, उनको लगेगा कि पूरा उनके नीचे पेट के हिस्से में पूरा टाइट हो गया, पूरा गैस जमा हो गया, उनको प्रेशर हैवीनेस वहां पे फील होगा, अनइजी फील होगा, साथ में उनको भूख लगेगी यानी एपेटाइट रहेगी, लेकिन वो थोड़ा सा खाएंगे, 2-4 बाइट खाएंगे तो उनके पेट जो है वो पूरा टाइट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि पूरा एयर ही भर गया। तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम है, साथ में उनके माउथ में ड्राइनेस रहेगा, टंग में ड्राइनेस रहेगा लेकिन उनको थ्रस्ट नहीं लगेगी, तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम हैं। और मोस्टली देखा जाता है जो लाइकोपोडियम के पेशेंट होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम शाम को 4 से 8 बजे के बीच में ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम है तो आप लाइकोपोडियम 30 दिन में 2 बार यूज कीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। सेकेंड मेडिसिन कार्बोवेज 30 उन लोगों के लिए हैं जिनके गैस का प्रॉब्लम अपर एब्डोमेन में है, यानी नाभि के ऊपर पूरा गैस का एक्युमुलेशन होता है। पेशेंट ऐसा बोलता है कि हम जब कुछ खाते हैं पीते हैं उसके बाद ऐसा फील होता है कि मेरे पेट में एयर भर गया है, और उसके प्रेशर की वजह से वो गैस ऊपर उनके पसली में चला जाता है, उनकी उसकी वजह से उनको चेस्ट में पेन होता है। और उसके साथ साथ जैसे कुछ खाएंगे पियेंगे विद इन 1/2 आवर उनके पेट पूरे टाइट हो जाएंगे, और जब इरेक्टेशन होंगे तो उनको टेम्पोररी रिलीफ मिलेगा, जब वो ढकारेंगे तो उनको लगेगा थोड़ा सा रिलीफ हुआ लेकिन फिर पहले जैसा ही होगा। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो आप कार्बोवेज 30 दिन में 3 बार लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर 2 बूंद रात। एंड जो लास्ट मेडिसिन है चाइना 30, ये उन लोगों को लेनी है जिनके होल एब्डोमेन में गैस का एक्युमुलेशन हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि उनका पूरा पेट ईयर से भर गया है, टाइट हो गया है बलून जैसा, और उनको इतना अनइजी फील होगा, उसके साथ साथ में उनको एपेटाइट नहीं रहेगी, भूख नहीं लगेगी, साथ में वीकनेस रहेगी, डाइजेशन पुअर होगा, और समटाइम्स उनको वोमिटिंग होगी। तो जो खाए रहेंगे अनडाइजेस्टेबल फूड की ही वोमिटिंग होगी, लेकिन वोमिटिंग के बाद उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अगर इस टाइप का सिम्टम्स है तो आप चाइना 30 दिन में 3 बार लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर एंड 2 बूंद रात। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।